राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। शुरू हुई है, कुर्सी पे सेट हो जाओ। हमने जो है बनाया, बस का मजा उठाओ। गाने भी डाले हैं ग्लैमर का तड़का, एक्शन में हीरो है। राम बसवा को यही पंचर होना था। आजा भाई नीचे आजा, बच्चे संभाले पिक्चर देखें। नमस्कार, मैं हूं एफपी माइकल मिश्रा के धारे पे आप सबका स्वागत है। प्रोड्यूसर ने ऐलान किया है पिक्चर हिट होने पे डायरेक्टर को मोटरसाइकिल गिफ्ट। Excuse me, Professor Tripathi. Yes. ये माइकल मिश्रा कौन है? एक नंबर के चोर उचक्के और किडनैपर थे। माफ कीजिएगा प्रोफेसर साहब, वो आपके लिए चोर उचक्के होंगे लेकिन हमारे लिए लेजेंड है। लेजेंड? A legend? Yes, legend. माइकल मिश्रा वो नाम है जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हर पन्ने पे दर्ज किया जा सकता है। World Book of Records. Now I'm curious. Emily, यही तो इस देश की विडंबना है। माइकल जैसे अपराधी का नाम अंकित करने की बात करते हैं World Book of Records में, और यहाँ हम 25 साल से इतिहास पढ़ा रहे हैं लेकिन आज तक लोकल न्यूज़पेपर में भी अपना नाम नहीं छपा। बिहार के कोयले और टैलेंट की कदर कभी इस देश में हुई है जो आज होगी? FPG, I really want to know more about Michael Mishra. Tell me, बताइए ना प्लीज। ठीक है, लेकिन एमिली जी दो बातें।
पहले तो इट्स नॉट मिश्रा, इट्स मिश्रा। मिश्रा कैरेक्ट। और दूसरी बात, आपको अपना मोबाइल फोन बंद करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज द मोबाइल फोन हैज किल्ड द रोमांस। दैट्स व्हाई आई डोंट कीप वन। काट के फेंक देना काम था उसका। और वो इस काम में इतना माहिर था कि वो बिना देखे भी कर सकता था। लेकिन किसको पता था उस दिन माइकल की जिंदगी में शनिचर आ जाएगा। तबीयत से पहलवान, अब पेशे से लोकल गुंडा। जांगा 20, कमर 36, सीना 42। गला थोड़ा टाइट रखना। इतना थोड़ा और। 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 थोड़ा और। थोड़ा और। थोड़ा और। थोड़ा और। कहते सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन माइकल मिश्रा की सफलता के पीछे पूरा नारी शरीर था। उसके धोबी पछाड़ ने वो करामत दिखाई कि लोगों ने उसे मसीहा समझ सलाम ठोकना शुरू कर दिया। प्रणाम भैया जी। प्रणाम। नमस्ते भैया। वाकई लेजेंड थे। माइकल के बारे में राय ना बनाना दोस्तों, क्योंकि वक्त बदलेगा और आपकी राय भी बदल जाएगी। जाए तेरी ओ, मन बहता जाए तेरी ओ, बहता बहता जाए रे तेरी ओ, तेरी ओ। Time.
5 अक्षरों का एक मामूली सा शब्द, पर जब ये हेलो पहली बार माइकल मिश्रा के कानों में गूंजा तो बस गूंजता गया। मासूम माइकल ये नहीं जानता था कि इसी लड़की के प्यार में वो एक दिन लेजेंड बन जाएगा। इस पंछी को पुलिस का कोई पिंजरा तड़ी पार नहीं करा पाया। यह वापस उड़ा और कई दिनों और मीलों का फासला तय करके उसी बसेरे पे आ पहुंचा जिससे अपना दिल लगा बैठा था। पर अफसोस, वो लड़की और उसका परिवार हमेशा के लिए कहीं दूर जा चुके थे। देखते ही देखते माइकल मिश्रा किडनैपिंग की दुनिया का लल्लन साफी स्टार बन गया। सेक्युलर माइकल मिश्रा से क्यों ही नहीं बच सका। बिहार में सबसे ज्यादा दूध देने वाली भैंस मुन्नी भी नहीं। बचपन में सुने हेलो और इस लड़की की तलाश आज भी जारी थी। एक मिनट, सीता मैया जरा हेलो बोल के दिखाइए ना। बोलो 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 बंद कर दे। हेलो 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 जी। हेलो मम्मी। अरे आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चला। चलिए और ये है माइकल भैया का अड्डा जहां किडनैप किए भाई और बहनों को रखा जाता है। टाइम पे पैसा मिले तो रिहाई, वरना माइकल भैया के अनोखे अंदाज में कुटाई। भैया जी के खेत का है, खा ले। बार बार बुझ जाती है ये, टॉर्च लाके दीजिए ना आप। हमने तुमको पुलिस को डराने के लिए रखा है, रास्ता दिखाने के लिए नहीं रखा है। अरे माचिस क्यों नहीं रख लेती साथ में, बार बार बुझ जाती है। वॉक लगाइए आप, और थोड़ा स्लो वॉक कीजिए। क्या कर रही हैं आप जी? ठीक, भूतिया स्लो वॉक करती है। स्लो जाइए, तेज जाएंगे तो पुलिस लग जाएगी पीछे। स्लो स्लो हैवान। नहीं, दयावान। क्या हो गया भाई? भैया जी कौन गिर गया है गटर के अंदर, अब बाड़ी तो गंगा जी में ही निकलेगी। साला बिहार का यही प्रॉब्लम है। हाँ, दारू पीते हैं खड्डा ढूंढने निकल जाते हैं। हाँ भैया जी। नहीं अंकल, हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। क्या करूं, बच्चा है। गिर गया। अरे निकालो भाई, अरे सुझी है कि नहीं, दो दिन से काम चला लेंगे। क्या
सामने इंसान के बच्चा हाथी का बच्चा को बताएगा इतना बड़ा बच्चा हम पहली बार देख रहे हैं आपने आपने हमारी जान बचाई आज से हमारी जिंदगी आपकी गुलाम देखिए इतने हैवी हैवी वर्ड्स मत बोलिएगा समझे वरना फिर से गड्ढे में डाल देंगे आपको पतली पतली गाड़ी पकड़िए और निकल लीजिए थका दिया आपने हमको लेकिन भैया जी हम पतली गली में घुसेंगे कैसे वैसे ही जैसे आप इस गड्ढे में घुसे थे गेट आउट भैया जी पीछे चक्का में हवा बहुत कम है भैया जी अरे अमित अरे छोड़िए बच्चे से बेताल होते जा रहे हैं भैया जी मूली खाने से पेट साफ होता है ट्राई करो भैया जी सच्ची में भैया जी भैया जी हम आपके लिए क्या सरप्राइज लाए हैं फ्रूट्स ये नन्ना सिपाही माइकल की आंखों का लालटेन बन गया और माइकल ने उसे अपने ही जैसा अंग्रेजी नाम दिया हाफ पैंट किडनैपिंग कराने का है ठीक है किडनैपिंग भी हो जाएगी इलाज भी करा लेंगे ग्रेट पर्सन थैंक यू किसके पजामे में नारा डाल रहे थे हम नारा नहीं डाल रहे थे मेकअप रूम से परफ्यूम चुरा रहे थे अच्छी खुशबू है आप इधर को जाइए हम उधर को जा रहे हैं ओके भैया जी उधर को नहीं इधर को आप इधर अरे सॉरी भैया जी
यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, रॉक बैंड की क्या बात है। झुरझुरा दे लो, एकदम करंट लगा दिए हैं अपने परफॉर्मेंस से। देखिए तो ई है विद्लेश माथुर, पट्टा जन्म से है बिहारी लेकिन कर्म से है रॉक स्टार। अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं अपनी अंतिम प्रतियोगी, तो इंतजार कीजिए बिहार गॉट टैलेंट में एकदम बिहार इज फुल ऑफ टैलेंट। वन टू थ्री माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। ये वही हेलो था जो माइकल मिश्रा के कानों में बचपन से गूंज रहा था। गुड मॉर्निंग पटनाइट्स, मी माई सेल्फ परसा शुक्ला फ्रॉम पटना। ये हमारे सामने नाचेंगी गाएंगी और बिना नरभसाए बिना लटपटाए फर 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 फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलेंगी, तो देखते हैं ये इस मंच पर क्या कमाल दिखाती हैं। उससे पहले हमारे आदरणीय जज महोदय इनको टॉपिक देंगे। श्री पुरुषोत्तम जी, टॉपिक इंग्लिश में काओ 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 माने जज काओ। Thank you.
माइकल मिश्रा किडनैपिंग स्पेशलिस्ट बोरिंग रोड जिला पटना बिहार 800009 फोन नंबर 0612266475 आप तो मिल ही जाएंगी। वंडरफुल भैया जी आपने बनाया है। यू आर ग्रेट पेंटर भैया जी, ग्रेट पेंटर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा काम कीजिए जी भैया जी, बिहार की जो जनसंख्या है ना उसके पीठ पे ये फोटो लगा दीजिए। भैया जी पेट तक क्या, किसी का पेट तक भी नहीं छोड़ेंगे। चलो भाई लोग बट्टा शुक्ला का पता बताओ, मुंह मांगा इनाम पाओ। तारे ना तो सीधे सिमरिया घाट। वर्षा जी तो मिली नहीं और माइकल चले गए कोप भवन। चलो बिहार की जनता ने चैन की सांस ली होगी। हाफ पैंट ने पूरा किडनैपिंग का काम संभाल लिया। कुत्ते का पता लिख दीजिए, काम हो जाएगा। वेजिटेबल्स, ताजे ताजे वेजिटेबल्स भाई और बहनों, वेजिटेबल्स ले लो। लेडीज एंड जेंटलमैन टेक सम वेजिटेबल्स। बढ़ के भैया, मैडम जी की फटफटिया। कहाँ यहाँ क्या कर रही हो, जाइए उधर। चुप चुप चुप। चॉकलेट। अरे क्या बात है मैडम जी, समय की बड़ी पाबंद हो आप, पैसे लाए हैं का? हमारे पास पैसे नहीं है। ये मंदिर नहीं है, यहाँ मुफ्त का प्रसाद नहीं मिलता। हमारी स्कूटी रख लीजिए। ठीक है, इनकी स्कूटी रख लो। और सुनो, अगली बार ये चॉकलेट गाड़ी पे मुता ना तो हम इसको उठाएंगे नहीं, खा जाएंगे, खा जाएंगे। क्या बात है, हाफ पैंट क्या ही किया तूने माइकल, भैया बहुत ही खुश होंगे। भैया जी प्रणाम, हमने काम संभाल लिया है, बस अब घर आए लक्ष्मी के दर्शन कर लीजिए। हमने आज तक ये बात किसी जैन से नहीं कही।
लेकिन एचपी आई लव यू भैया जी, आई लव यू भैया जी, मैं इतने हनुमान हूं जैसे मैं प्रमोशन भैया जी। कबूतर दिल के अंदर टकटकिया किया लड़ी, चियारा में से लड़ गए बच्चे पतंगिया किसकी कटी। कबूतर दिल के अंदर टकटकिया किया लड़ी, चियारा में से लड़ गए बच्चे पतंगिया किसकी कटी। ओश की गाड़ी चल पड़ी, ओश की गाड़ी चल पड़ी, होश की दिगारी, होश की दिगारी चल पड़ी, होश की दिगारी, होश की दिगारी चल पड़ी, होश की दिगारी। जी गद्दा झाड़ दिए। लुच्चे लफंगे डाकू, तुम्हारी क्या गजल? कौन डा? मावाली कुत्ता चोर। चक तीसरा भैया गेल। मतलब कौन गए तुम हमारे? सड़क चौक करना पर। कब भी सामने बताना हमारे। मार दूँगी। लगता है भाभी बड़े गुस्से में। अरे गुस्से में नहीं है, ये तो उनका प्यार है। ये खाली घर को लोग टॉयलेट क्यों बोलते हैं? तेरे साथ साथ मैं हर घड़ी बिताऊंगा, तेरे साथ साथ मैं खुशियाँ लुटाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं दुनिया बसाऊंगा, तेरे साथ साथ मैं पल पल बिताऊंगा, बस तेरे ही सामने, तेरे साथ साथ मैं बस तेरे ही सामने। ध्यान से लाइएगा, टूट गया तो मार पड़ेगी, पता है ना? भैया जी क्या करो भाई, चोट भरी तोड़ोगे? आइए भैया जी।
भैया जी, युवा तो ग्रेट पर्सन। भैया जी हाँ, ये मकान इतने सस्ते में कैसे मिला? ताजुब हो रहा है। अरे फांसी लेके मर गया होगा। हाँ गॉट इट भैया जी, गॉट इट। अरे कौन मातम कर रहा है? हे ब्रदर्स, कितने मीटर लाइक हवन में हड्डी, जरा देखिएगा। अब ये आते भैया। थोड़ा फील गुड सा लग रहा है ना? अच्छा हमारी बात अभी ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम अभी हमारी पैरेलल लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, समझे? और ये मोहल्ला जो है शरीफों का है। सही है। और आप लोग ठहरे लुच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ भाई, तो देखिए अपनी मनुष्य शक्ल और ये मोहल्ले के बीच में ना थोड़ा सा वो डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। हाँ। जी जी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। हाँ अगर चाय पी के जाइएगा। गेट आउट। प्रणाम भैया जी। प्रणाम भैया जी, प्रणाम। और वो मुखौटे घर जाके निकालिएगा। ठीक है भैया जी। इंग्लिश चाकू है, पूरे बिहार में खाली हम ही कर सकते हैं। बहुत टैलेंट लगता है इसको करने के लिए, आप हमसे शादी कर लीजिए। भैया जी ऐसे तो भाभी डर जाएगी। आप शादी करने चाह रहे हैं कि किडनैपिंग? ये ठीक नहीं था, हम तुझे इंप्रेस हो जाएगी। हम कुछ और ट्राई करते हैं। इसे गुलाब कहते हैं, ये ज्यादातर कश्मीर में मिलते हैं। इसका गुलकंद भी बनता है जिसे खाने से पेट ठंडा रहता है। इसे अगर बालों में लगाओ तो खूबसूरती बढ़ जाती है और मच्छर मक्खी भी दूर रहते हैं। हमारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, आप हमसे शादी कर लीजिए। भैया जी फैंटास्टिक, बस अब फूल थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे पता नहीं ऐसा क्या कर दिया। बाबूजी को ना बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता। भैया जी, भैया जी लड्डू खाइए और आशीर्वाद दीजिए। भैया जी तुमने फिर बच्चा पैदा कर दिया क्या? हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ भैया जी, हमारे से अपना छोटा बड़ा बिजनेस शुरू कर रहे हैं। किडना भी का गुलाब कहते हैं, इसे बालों में लगाने से खूबसूरती बढ़ती है और मच्छर मक्खी भी दूर रहती है। और हाँ इसका गुलकंद भी बनता है, इसके खाने से पेट ठंडा रहता है। और हमारा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, हमसे शादी कर लीजिए। ओ भाई साहब, मैंने तो नोटों की पटना बिना कभी नहीं सुनेगा। देखिए तो कितने बेशरम जेब कतरे हैं यहाँ के। झांसी की रानी बन गई। प्रणाम भैया जी, छुड़ाइए ना मुझे इनसे। तुमको शर्म नहीं आती? शरीफ लोगों की जेब काटते हो बस के अंदर। मेहनत तो पैसे नहीं कमा सकते, नॉनसेंस पर्सन। भैया जी आपने तो कहा था कि मेहनत कधे करते हैं। नहीं तो सारे बदतमीज बस रोको। अरे तुम ऐसे खराब कर रही हो, चल यहां से। मास लेगा हां, बस एक दो लगाने चाहिए। देखो साली यही बस मिली थी कान करने के लिए। हां निकल यहां से। सॉरी भैया जी, पूरा का पूरा इंप्रेशन खराब कर दिया। अरे Hello।
हमारे मैडम जी का कुत्ता जो है ना पाइपों में फंस गया है। माइकल मिश्रा चलो कहानी खत्म हो गई, अब इस कहानी बचा ही क्या है, बैक टू बस। प्रोफेसर साहब आप बैठ जाइए, अभी तो माइकल मिश्रा की कहानी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। प्रोफेसर प्लीज। यू आर सो स्वीट एमिली। हाँ तो अब क्या हुआ? कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। वर्षा शुक्ला जी के केस में इसका उल्टा हुआ। माँ बाप और खुदा की जगह पे काइंड हार्टेड चाचा और जालिम चाची, जो कि रहते भी उसी के घर पे थे। दिन भर शहर में मंडराती रहती हो, खुद को झांसी का रानी समझती हो, और कुछ हो गया तो आप मिठाई को हाथ मत लगाइएगा। हम ऊपर जाके बड़की चीजें और भैसुर जी को काम दिखाएंगे। जी तो मुंह मत दिखाना, घूंघट डाल लेना ना चाची। लड़का देख लिए हैं हम, मुकुंद कुमार नाम है। ओ, देखे चाचा, आपके जीते जी चाची ने अपने लिए लड़का भी ढूंढ लिया। छेका के लिए बुला लिए हैं इस महीने की 29 तारीख को। तारीख कचेरी में ना होती है चाची। बलकनिया में खड़े रहके नैन मटका करो तुम, और मोहल्ले में ना कटे हमरी। हम हंसे तो आपको दिक्कत, रोए तो दिक्कत, घर रहे तो दिक्कत, बाहर जाए तो दिक्कत, आपके काम में हाथ बटाए तो दिक्कत, ना बटाए तो दिक्कत। आपके दिक्कत का ना एक ही सलूशन है हमारे पास। हम किसी लड़का के साथ ना यहाँ से फुर्र हो जाते हैं। जो मन रहे करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, उस लुच्चे लफंगे बदमाश के साथ नैन मटका नहीं करने देंगे तुमको। अरे दो दिन में पेट से करके छोड़ देगा, तब समझ में आएगा इनको। अरे शांत हो जाइए ना, ये कौन तरीका है जवान बच्ची से बात करने का? हा? बच्ची है, जलवा देख रहे इनका। चाची जलवा अभी नहीं, वो तो आप तब देखेगा जब पटना में लोग हमारे ऑटोग्राफ के लिए लाइन लगा के आएंगे। ऑटोग्राफ मन तो करता है बलकन यही तुड़वा दे, न नौ मन तेल होगा न मिस वर्षा शुक्ला नाचेंगी। Thank you.
सो मच फॉर लविंग मी। हम भी आपसे डीपली प्यार करने लगे हैं। हम इस प्यार को एक नाम देना चाहते हैं। हमारे चाचा चाची के मन में आपका इम्प्रेशन थोड़ा बैड है। आजकल के बॉयज के हिसाब से तो आप कूल हैं, पर घर के एक दामाद के हिसाब से थोड़ा अनकूल। हरकतों पे थोड़ा थिंक करें और आदतों पे रीथिंक। हम चाहते हैं आप हमारे घर आए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सुधर जाए। वर्षा जी, हम सुधरेंगे और फुल फ्लेज्ड सुधरेंगे, आप देख लेना। कुत्ते की पूछ सीधी हो सकती है, लेकिन माइकल जैसा आदमी नहीं सुधर सकता। माइकल ने जो किया न कभी किसी ने किया होगा न करेगा। सुधरने की राह में माइकल मिश्रा ने एक बार फिर से कैंची उठाई। और अपने घने मुलायम लंबे बालों का त्याग किया। सफेद कुर्ता पैजामा पहना, अनुलोम विलोम किया, भ्रमरी किया, सूर्य नमस्कार किया, दिल फिर भी नहीं माना तो गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराया, काले कुत्ते को खिचड़ी खिलाया था, चुप रहो सब लोग, चुप रहो, बात क्यों कर रहे हो उधर, सब लोग चुप रहो। कहां से चले जा रहे भाई? आओ। अरे कौन है अंदर? अरे पहचान ही नहीं पाया हम आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। भैया जी बाल कटा लिए थे इसलिए। भैया जी पहचान नहीं पाए, हमारा हाथ उठ जाए भैया जी। भैया जी आप एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, है ना? थैंक यू। हम क्या है ना, हम सुधरने के रास्ते पे निकल पड़े। लेकिन भैया जी आप सुधरना क्यों चाहते हैं? आप तो ऑलरेडी सुधरे हुए हो। देखिए, आपने कभी ये सुना है कि बुराई की हमेशा जीत होती है? ऐसा नहीं होता। जीत हमेशा सच्चाई की होती है और अच्छाई की होती है। भैया जी बात तो एकदम करेक्ट है, पर आप इन लोगों को छोड़ दीजिए। भैया जी एक बार आप सोच लीजिए ना। सोच लिए, छोड़ दीजिए। हमने सबको छोड़ दिया है, बस वो एक अंधा फकीर बचा है, जा ही नहीं रहा है। अंधा फकीर? अरे पगलेट, अगर वो अंधा है तो तुझे कैसे पता चलेगा बाहर जाने का रास्ता किधर है? ये तो हमने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं, हम उसे पर्सनली बाहर छोड़ के आते जी। सुधरने में बड़ा मजा आता है जी भैया जी, आपको ट्राई करना चाहिए। सुधरने में एकदम एक बहुत अच्छी सी फील गुड सी फीलिंग आती है। ठीक है भैया जी, कल से हम जरूर शुरू करेंगे। कौआ होत न उजले, सौ मन साबुन लगाए। ए हकीम, तू के कान के नीचे, कूल डाउन। अरे मूर्ख, अगर मिठाई बोल देने से वो मीठा हो जाता तो मिठाई की क्या जरूरत? सुधरना बोल देने से अगर कोई सुधर जाता तो प्रायश्चित और पश्चाताप की क्या आवश्यकता थी? चल मैंने माना कि तूने बोला कि तू सुधर गया, तू अपने पाप नहीं करेगा, लेकिन जो तूने पुराने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित कौन करेगा? बोल, कौन करेगा? तुझ में है हिम्मत? भाई,
भैया जी को अंडरस्टैंड मत करना। कौन बोला वो नहीं कर सकते? प्र 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 प्रशांत। अरे मैं अंधा होते हुए भी तेरी आत्मा के काले दाग देख सकता हूँ, तो फिर इस दुनिया में आंखों वालों से कैसे छुपता फिरेगा? तेरे आगे कुआं है और पीछे खाई, तेरे सुधरने का बस एक ही रास्ता है, पापों का प्रायश्चित। लफंटर इसी कॉलोनी में आके भर गए हैं। हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे भैया जी। सही कह रहा है भैया जी। ब्लडी फूल की तरह बातें मत किया कीजिए। बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचो, स्कूल भेजिए उनको। अरे मोहल्ले में तो नाक कट गई हमरी, तुम्हारी हरकतें तो खत्म ही नहीं होती। वो सब तो ठीक है भैया जी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? काट देती। मेहनत कीजिए। बिल्कुल अंदर जाओ। हाँ जरूर मिलेगा। वर्षा जी, मेरा और गलत का साथ बस यही धक्का था। अब आपको मेरे कुकर्मों की वजह से कभी रोना नहीं पड़ेगा। अब हम आपसे तभी मिलेंगे जब हम सुधर चुके होंगे। आप अपना ध्यान रखना और मेरा इंतजार करना। आपका माइकल मिश्रा।
छोटी सी चीज तो मांगी थी वर्षा ने उससे कि सुधर जाओ। अबे ओ लमनचूस, कहाँ घुसे आ रहा है बे? का नाम है बे तोरा? माइकल मिश्रा। भैया जी भैया, हेल्प यू। अरे बाथरूम तो ये है। हुआ लटका के गुंडा यही करते हो ना आप लोग? चलिए शुरू हो जाइए। भैया जी, अरे क्या कर रहे हो भैया जी? अरे मुंह का देख रहे हैं हमारा, मारो हमको। माइकल भैया, हमसे कुछ गलती हो गई तो हमें माफ कर दो। चार्जशीट बनाओ हमारी, केस करो हम पर। हम आपके पाँव पड़ते हैं भैया जी। बचपन से लेकर आज तक हमने जो भी गलत काम किया है हमको सब की सजा काटनी है। अब तुम हमको नहीं मारोगे तो हम तुमको मारेंगे। सुधरने के लिए आए हैं और हम सुधर के ही जाएंगे। तुमको चूड़ियाँ पहन रखी है क्या? आओ मारो हमें। आखिर पकड़ा ही गए ना, छोड़ेंगे। एफपीजी, एक क्वेश्चन है। एक चिट्ठी को माइकल मिश्रा ने कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया? वो माइकल मिश्रा का प्यार था, उन्हीं की तरह लेजेंडरी। आजकल के प्यार की तरह नहीं, जो एक एसएमएस से शुरू हो और दूसरे एसएमएस तक दम तोड़ दे। पटना की शान शनिचर जी को इंची टेप से गर्दन दबाकर अपहाइज करने के लिए एक पटना के हनुमान मंदिर से 5 साल तक जूते और चप्पल चुराने के जुर्म में 2 कंकड़बा के देवेन वर्मा की मां, उनके बेटे बेटी पोता पोती और ड्राइवर और गार्डनर, उनको आप फॉरगेट कर गए। या थैंक यू माइकल। ड्राइवर और माली के अपहरण के लिए 2, चौराहे वाले गोदाम को लूटने के जुर्म में 2, पिछले 10 सालों में खंबे से बिजली चुराने के जुर्म में 2, इसीलिए बिजली का बिल ही नहीं आता। पिंटू यादव की शादी में घुसकर सारा खाना चुराने के जुर्म में 2, बैद्यनाथ धाम से 50 का सारा सामान छीन कर 2 दिन तक करने के जुर्म में 1, गुन्नू झार उनके परिवार को 3 दिन तक सांपों से भरे कुएं में छुपा के रखने के जुर्म में 3, छपरा के आवारा कुत्तों की पूछ में पटाखा बांधकर सताने के जुर्म में 1, क्या क्या करता है आदमी। रांची की क्रिकेट टीम को जबरन बंदर बनाने के जुर्म में 2। जज साहब, आप भी ना, आप तो हमारी तारीफ किए ही जा रहे हैं, शर्मिंदा हो गए। अब जनता भी देखिए ना, बोर हो रही है। आप बस टोटल करके बता दीजिए कितने महीने हुए। कुल मिलाकर महीने नहीं, साल हुए हैं। बोल जी, माइकल मिश्रा को सजा मिलती है 500 साल। बैठ जाइए आप लोग, शांति बनाए रखिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन का मानना है कि बुजुर्ग माइकल मिश्रा दिमागी तौर पर बहुत पहुंचा हुआ शातिर क्रिमिनल है। इसलिए माइकल मिश्रा को भैरव घाटी के काले पानी की सजा सुनाई जाती है। भैरव घाटी का काला पानी देश भर के सजायाफ्ता दिग्गज क्रिमिनल्स का बसेरा। हाँ, पर वर्षा का क्या हुआ?
वर्षा शुक्ला को माइकल की चिट्ठी कभी नहीं मिली। वर्षा को लगा कि माइकल घर छोड़ के भाग गया था। हाफ पैंट का क्या? हाफ पैंट फिर से अपने आप को अनाथ समझने लगा, लेकिन उसे ये उम्मीद थी कि भैया जी जरूर वापस आएंगे और ये कसम खाई कि जब तक माइकल की रिहाई नहीं होगी वो वर्षा भाभी का ध्यान रखेंगे। धरती पे अगर स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है और अगर नर्क है तो यहाँ है। माइकल मिश्रा, भैरव घाटी में आपका स्वागत है। डेवलपमेंट तो छोड़ दीजिए, लो वर्षा बिटिया आ गई। आओ बिटिया, आज छुट्टी है ना इसलिए लेट उठी है, वरना सुबह में 6 बजे उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है। अमेजिंग डैड, थैंक यू। बिटिया पैर छुओ, आप फलदान कीजिए ना। ये हो क्या रहा है? जी का बताया था ना बिटिया। थैंक यू, थैंक यू। आपने किया अच्छे का, हमने उठा के फेंका। If you have any problem, you can talk to me personally. Hey, shut up, you joker! Mommy! What is this? बहुत जबान चल रही तुम भी। चलो, चलो कहते हैं। अरे आप बैठिए, बैठिए। अरे हम ही घसीटेंगे कि आप भी जोर लगाइएगा। आते हैं, आप आइए ना, हम देखते हैं। बेटा, मिठाई लीजिए ना। बहन जी खाइए ना, सब फ्रेश ही मंगाए हैं। अरे जिसे आप पसंद करती थी, वो भी तो घर खाली करके भाग ही गया ना। आप अपनी बात समझने की कोशिश करो। वो कहा है कि हो गया आप लोगों का नौटंकी। इनका सर पे जो भूत है ना, वो बातों का नहीं लातों का है। चलिए, अरे चलिए ना। अरे आप लोग बताए कुछ लीजिए, लीजिए आराम से, आराम से। बेटा बिल्कुल, थैंक यू सर। ये जी, ये क्या कर रही हैं आप? बताते ही क्या कर रहे हैं, हमारी बात तो सुनिए सबके सामने। अब ये दरवाजा इनके ब्याह के दिन ही खुलेगा, समझे? अब बहन जी खा नहीं रहे हैं, डाइटिंग पे है। Thank you.
माइकल भैया जिंदाबाद, परसा भाभी जिंदाबाद, माइकल भैया। परसा भाभी रनिंग, अरे हाफ पैंट कहाँ गया? चॉकलेट हम प्यार में फेल हो गए चॉकलेट, पर तू मत होना जा जा चॉकलेट जी ले अपनी जिंदगी। बटुआ भी होगा। निकाल 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 चल। अरे रुको, उसमें हमारी चिट्ठी है, वो दे दीजिए। चिट्ठी? अरे थोड़ पढ़ 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 ले, पढ़ ले इसे, देख। देखिए इसका क्या करेंगे आप, चिट्ठी दे दीजिए हमें। अबे अनपढ़। अरे ये तो लव लेटर है। पढ़ पढ़। हम भी आपसे डीपली प्यार करने लगे हैं। कई सालों से लड़की नहीं देखी, लव लेटर तो देखा। हमारी चिट्ठी दे दीजिए आप। वर्षा शुक्ला की चिट्ठी है। अरे चिट्ठी दे दीजिए हमारी। चिट्ठी में तो जान है इनकी। चिट्ठी चाहिए? आ जाए अंदर। देखिए बहुत हो गया, अब चिट्ठी दे दीजिए आप। बोल रहे थे चिट्ठी दे दो हमको, लिसन नहीं करते आप लोग। यहां पीटने का हक सिर्फ मुझे है, बंद रखो यहां पर, अकल ठिकाने आ जाएगी। कुछ बूंदे हैं पलकों पे बाकी, भूलूं कैसे यादें हैं काफी, चलना मुझको अब अकेले, किसको बोलूं बातें जो बाकी, तू है नहीं तू था नहीं, माने है क्यों नहीं, फिर तू मेरी आंखों से बह गया बनके, छड़ गया बीते न तुझ पे मुझ पे जो गुजर गया बनके।
और बन गया और तू मुझको कुछ ऐसा कह गया। बीते न तुझ पे मुझ पे जो गुजर गया बन के बूंदे फिर तू मेरी आंखों से बह गया बन के बूंदे मुझसे तू बिछड़ गया। पहला ऑडिशन है तब भी नर्वस लग रही हो। हम नर्वस नहीं है, आई एम फुल कॉन्फिडेंस। तुम्हारा नाम क्या है? कॉन्फिडेंस कुमारी। मायसेल्फ वर्षा शुक्ला फ्रॉम पटना। बुरा मत मानना पर तुम्हारे इस ऑडिशन में सेलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। आई विल प्रूव रॉन्ग। हम सबको गलत साबित कर देंगे, उनको भी। उनको भी दिल टूटा है तेरा? नहीं तो? तो प्रूफ तो वही करते हैं जिनका दिल टूटता है। वर्षा शुक्ला। यस सर। हाय, फ्रॉम बॉलीवुड। यार ये हाफ पैंट अपना गेटअप क्यों बदल रहा है बार बार? अरे वर्षा जी देख लेती तो फिर से थप्पड़ पड़ता ना। एक्शन। मायसेल्फ वर्षा शुक्ला, आई एम फ्रॉम बिहार पटना। माय हाइट इज 5 feet 4 inch। माय साइज इज 34 24 35। My mother tongue is Hindi, but I speak fluent English on any topic. My side sir. यार ये एक original piece है, इससे कुछ original करवाते हैं। देखो वर्षा, जो आपने बिहार is full of talent में जो किया था, वैसा ही कुछ करते हैं। Topic? Topic love? Yeah. लॉक पे करते। जय माता दी। Hello, be in love with your poor little bird. Is the best, love is the best. Oh, my dear, look at this. Hello, CK, it's a locket which escaped in my POCK, it's a pocket, but it disappeared like a rocket. Racket. Oh, dear, come near. There is a hole in my heart which only you can fill. So that the bird can say, they lived happily ever after. Din chak, din chak, yo, din chak. Nice. Superb. Thanks a million. Thanks a million anyways. Thank you. You can go now. Yes. यार इसके पटना का टिकट मैं मेरी सैलरी से कटवाऊंगा। हाँ दिल्ली में यार इन लड़कियों के दिमाग के इलाज के लिए ना एक हॉस्पिटल खोलना चाहिए। सच कह रहा हूँ। यार सुन ना, इसे हम सर को जरूर दिखाएंगे। 100% जरूर दिखाएंगे। 100% ओह डियर कम ओह गॉड। पलकों से वो छुपता नहीं, कब ये दिल किसका है, रुकने से वो रुकता नहीं, कब से cow is a domestic animal, it has 4 legs, 2 are forward and 2 are backward. And because she's a female, she gives milk. It has got 1 hairy tail in the background.
which she uses to frighten away the flies. फिर तू मेरी आँखों से बह गया बनके बूंदे मुझसे तू बिछड़ गया। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। पंडित जी को कहा है कि जब जब मैंने प्यार किया तब तब मेरा दिल टूटा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, बार बार प्यार करने का मौका ना मिला। ध्यान लगाओ, ये बंबई है, यहां वेटर बनने के लिए बहुत लंबी लाइन है। टेबल नंबर 4। यहां कुछ बड़ा करने आए। एक्सक्यूज मी, तुम वर्षा शुक्ला हो पटना से, राइट? यस सर। लेकिन तुम तो यहाँ बंबई हीरोइन बनने आई थी, फिर तुम यहाँ। देखो तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सलाह देने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। तुम्हें क्या करना है ये डिसीशन खुद तुम्हें लेना है। बाय द वे, आई एम इम्तियाज। मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूँ जिसके लिए तुम ऑडिशन करने आई थी। यह दिस इज माई कार्ड। You were amazing. Please, कल सुबह मेरी ऑफिस जरूर आ जाना। See you tomorrow. चढ़ के बड़े बड़े से लड़के की छुट्टियां।
मुझसे तू झूठे मुठे वादे रह जाएंगे हम तो तेरे बिमार यादे तेरे लिए ही बनी हूँ मैं तेरी डेस्टिनी हूँ ये मैंने क्लियर कर दिए हैं अपने इरादे की बात भूल गए उठो एक एक मिनट का हिसाब लूंगा कम चोरो खोदो साले ठीक से तुम हिरन के जैसे हो फिर पकड़े कैसे गए हम पकड़े नहीं गए खुद को सरेंडर किया है हम सुधरना चाहते थे क्यों अपने प्यार को पाने के लिए तैरना जानते हो जाओ सब लोग बोट के पीछे की तरफ जाओ जल्दी चलो और भी बहुत काम बाकी है
प्यार को पाने के लिए जान पे खेल सकते हो तो तैरने के लिए तैयार हो जाओ। अब पुलिस रिकॉर्ड से माइकल का नाम हमेशा के लिए मिट चुका था। भाई साहब हमें वो फूल खरीदने। पिंटू चिंकू भैया जी, भैया जी आप वापस आ गए, हम धन्य हो गए भैया जी। भैया जी मतलब पैरोल पे आए हैं या भाग के आए हैं? ये फूल पत्ती वाला काम भैया जी हमको नहीं करना है, चलिए अपना वही पुराना वाला काम करते हैं। देखो हम सुधर के आए हैं, हम जान दे देंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, समझे? हमको फूल चाहिए। अब बताओ वो ये लाल गुलाब कितने में दिए? भैया जी अब आपसे पैसे थोड़े नहीं लेंगे भैया जी। और बिना पैसे के हम लेंगे भी नहीं, हमें आपकी हेल्प चाहिए, कोई काम मिलेगा? नहीं दिखता क्या है? वो परिवार जो यहाँ पे रहता था एक साल से बंद पड़ा है, कोई रहता तो ताला क्यों लगा रहता? कमाल के बंदे हैं आप। हम कहा कर रहे थे भैया कि आपने उस हाफ पेंट को मार्केट में खड़ा किया और आपके जाते ही जेल, वो साला किसी लड़की के चक्कर में आके 1 2 3 साला। देखा भैया जी के पैसे पे कहीं अय्याशी कर रहा होगा दोगला साला। जब सारे दरवाजे बंद होते दिखे तो माइकल ने सिर्फ एक ही दरवाजा खटखटाना उचित समझा। हमारी वर्षा नहीं मिलती हम यहां से नहीं जाएंगे।
सालों के बाद पटना में इतने जोर से वर्षा हुई है। हैप्पी साहब, माइकल की कहानी सुन के ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में कहीं चूक गए हम। इतिहास के किताबी पन्नों में कुछ ऐसा खोए कि मोहब्बत की मिठास ही भूल गए हम। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, कुछ खा लीजिए। माइकल फील गुड मिश्रा तो वर्षा शुक्ला के प्यार में सचमुच के जेंटलमैन बन गए थे, आदतों से भी और कपड़ों से भी। दूर हो जाओ हमारी नजरों से, पाखंडी ढोंगी। हम जरा जेल के गए, तुम एक लड़की के पीछे एक दो तीन फुर। भैया जी, हम फुर नहीं हुए भैया जी, और कोई लड़की नहीं, वर्षा जी। हम भाभी को 2 मिनट लिए अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दिए भैया जी। तुम सही कह रहे हो, भोलेनाथ की कसम हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। नहीं भैया, नहीं भैया जी। कैसी है हमारी वर्षा? आपके इंतजार में थोड़ी दुबली हो गई भैया जी, बस आप आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अरे को रास्ता है अंदर जाने का, जल्दी शॉर्टकट दिखा देना। आ जाओ भैया जी। हाँ। इस्माइल चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रस्तुत करते हैं अपने अगले प्रतियोगी, जो खाएंगे 5 मिनट में 50 मिर्चियां। पिंकू पांडे। अरे बकरोल, ये हीरो की नहीं चोरों की एंट्री है। अरे कहाँ है पिंकू पांडे? सर अभी यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया सर। मिर्चाएं तुम्हारे पिताजी खाएंगे, जाओ पकड़ के लाओ उसको जल्दी। बेस्ट ऑफ लक भैया जी। अरे हम कौन सा कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं?
हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं हमने। से कोई मिर्ची खा सकता है क्या? 5 मिनट में 50। अरे भाई साहब, वर्षा जी कहाँ मिलेंगी? आप चलिए ना मेरे साथ। थैंक यू, आप तो बड़े गुड मैन टाइम निकले। चलिए तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए पिंकू पांडे का। वर्षा जी, हम सुधर गए, हम सुधर के आए हैं, बिल्कुल जेंटलमैन। क्या कहा ढूंढा आपका हमने। वर्षा जी, मुझे तो ये आपका फैन लगता है। ऑटोग्राफ चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऑटोग्राफ नहीं चाहिए। पिंकू पांडे, मजाक कर रही हो सर जी? इनको देख के एकदम नर्वस आ गए हैं। अरे नर्वस आएंगे का है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है हमारा। अरे इन्होंने कहा जाके सुधर के आओ, हम चले गए, हम बिल्कुल सुधर के आए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू माइकल मिश्रा हो गए हम। क्या बात कर रहे हैं? हाँ पांडे जी, आप कंपटीशन में आए, जाके मिर्चियां खाइए प्लीज। हाँ भाई। वर्षा जी आप, अरे इतना पुराना जान पहचान है आपका, आप पहचान नहीं रहे? क्या कह रहे हैं आप, जानते भी नहीं है इनको, शक्ल नहीं देखी कभी इनकी, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग? सिक्योरिटी का है, गणेश जी इनको ले जाइए प्लीज, मिर्चा खिलाइए। चलिए पिंकू जी फाड़ फाड़ के मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? चले आए, चलिए चलिए आप जाके मिर्चा खाइए प्लीज। जाइए साथ मिर्ची खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी।
डियर लव, थैंक्स यू सो मच फॉर लविंग मी। हम भी आपसे डीपली प्यार करने लगे हैं। हम इस प्यार को एक नाम देना चाहते हैं। हमारे चाचा चाची के मन में आपका इम्प्रेशन थोड़ा बैड है। आजकल के बॉयज के हिसाब से तो आप कूल हैं, पर घर के एक दामाद के हिसाब से थोड़ा अनकूल। हरकतों पे थोड़ा थिंक करें और आदतों पे रीथिंक। हम चाहते हैं आप हमारे घर आए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सुधर जाए। हम सुधरने के रास्ते पे निकल पड़े। ये बात अपने दिल में रखना, किसी से ना कहना। छोटा शहर है, मेरी बदनामी होगी। जी ऑटोग्राफ। खुश तो बहुत होंगे ना आप? जी। भैया जी का दिल तोड़ के सही कहते, चेहरे पे चूना लगाने के बाद ना लोग बदल जाते हैं। तुम्हें पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, फिल्म स्टार वर्षा शुक्ला से। बहुत फेमस हो गई ना आप। माइकल मिश्रा को भूल गए? अरे क्या क्या नहीं किया भैया जी ने, सबको छोड़ के, हमें छोड़ के आपकी इस चिट्ठी की वजह से सुधरने के रास्ते पे निकल पड़े। और अब ये मत कहना ये हैंडराइटिंग भी आपकी नहीं है। ये चिट्ठी तो ये गिटार बाज तो वही था जो माइकल के घर के ऊपर रहता था। अरे कौन मातम कर रहा है? चल 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 चल। अरे ससुराज। मिस्टर मिथिलेश माथुर। ओए लंगूर। वर्षा शुक्ला की प्रेम कहानी में माइकल मिश्रा तो कभी थे ही नहीं। दरअसल ये हुआ था, कब से खाली था दिल का मोहल्ला, ओ हमारी सजनिया तू ही तो आके बस गई। देंगे बाप का दुतल्ला, ओ हमारी सजनिया तू ही तो हम का जच गई। बलकनिया में खड़े रहके नैन मटका करो तुम, और मोहल्ले में ना कटे हमरी। सांझ सवेरे अब तो डालेंगे तेरा नाम रट्टू, हम हो गए तो हब लाडू, ना समझो निकाटू। सांझ सवेरे अब तो डालेंगे तेरा नाम रट्टू। डालेंगे जी सारा रा रा रा, हम तो है तो हर हीरो बाबा।
आप पसंद करती थी वो भी तो घर खाली करके भाग ही गया ना। हम प्यार में फेल हो गए चाकली। अपने माइकल भैया से कहना कि अपने दिमाग का इलाज करें। एक चिट्ठी पढ़ के कहां से कहां निकल गए? बचपन से ही पागल है क्या? हाँ बचपन से ही पागल है आपके लिए। चली कैसे जाती? इसकी गाड़ी जो चल पड़ी थी। ओ इश्की दी गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी चल पड़ी, ओ इश्की दी गाड़ी। माइकल भैया कहाँ है? वो तो चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए माइकल भैया, पूरा अस्पताल भी ढूंढ लिया। वर्षा जी अगर आप चाहो तो हम आपको एयरपोर्ट छोड़ सकते हैं। जैम्बो सरकार, जैम्बो सरकार, पटना शहर में पहली बार सारे परिवार के लिए जैम्बो सरकार, बच्चों के लिए खास आकर्षण। मिश्रा को मैंने कंकड़ बाग में 10 बजे देखा था। माइकल मिश्रा? माइकल भैया को मैंने 10:30 बजे गया जाने वाली बस में चढ़ते हुए देखा है। माइकल मिश्रा? माइकल भैया को मैंने वहाँ टुमारो में चढ़ते हुए देखा है। हेलो उठा लिए हो, सामने आके एक सिंपल सा आई लव यू नहीं बोल सकते थे? क्या समझते अपने आप को? क्या समझते अपने आप को? हाँ तुम क्या सोचे, इतने साल से तुम ही हमें ढूंढ रहे थे। जाए तेरी हो बहता बहता। फर्क सिर्फ इतना था कि हम उम्मीद छोड़ दी और तुम उम्मीद नहीं छोड़े।
साइकिल भैया और वर्षा भाभी के प्रेम का मधुर मिलाप हुआ था। तो आप FP राइट फुल पैंट, जवानी में मुझे हाफ पैंट कहते थे। I can't believe it. जी प्रणाम, भाभी जी प्रणाम। अरे आओ हाफ पैंट। आपकी लव स्टोरी तो आज भी सुपर हिट है। कल की तैयारी हो गई? आपके जैसे लिविंग लेजेंड की कहानी सुने बगैर कोई बस गुजरी है यहां से? नमस्कार, मैं हूं FP माइकल मिश्रा के ढाबे पे आप सबका स्वागत है। भाई वाह से खाली था दिल का मोहल्ला, ओ हमारी सजनिया तू ही तो आके बस गई। लिख देंगे पाप का तू बल्ला, ओ हमारी सजनिया तू ही तो हमका जच गई। हम हो गए तेरे पीछे भागू ना ठुकरा देना, हाँ हाँ दिल में है जो सौ अरमान, मुड़ के तू ना जाओ तू ना जाओ। हाँ रोज रोज मैं तेरे पीछे भागू ना ठुकरा देना, हाँ हाँ दिल में है जो सौ अरमान, मुड़ के तू ना जाओ। तो शाम सवेरे तेरे ही ख्याल आते हैं, वो हमारी सजनिया तो और हमारी जान। हम हो गए तो हमार माइकल भैया चला है मोटर साइकिल पे ढूंढने अपना प्यार, सो कहते हैं इन्हें लिजोन, आइए देखते हैं लिजोन है कि नहीं। डालिंग जी सारा रा रा रा, हम तो है तोहर हीरो पा। डालिंग जी सारा रा रा रा, हम तो है तोहर हीरो पा। हम हो गए तो हम पे लड्डू, ना समझो हमको नहीं खट्टू। हम हो गए तो हम पे लड्डू, ना